पकड़ लिया तेरे को। कौन है ये? अय्यर भाई, what is going on here? अय्यर चोरी कर रहा था। अय्यर, दूध की चोरी कर रहा था तू? तू? दूध की चोरी एक साइनिस्ट? एक मिनट चाचा जी, पहले मेरा बात तो सुनिए। हाँ, आप सब लोगों को गलतफहमी हुई है। एक बार मेहरबानी करके अय्यर भाई की बात तो सुन लो। बहुत मार पड़ा है मेरे को, कमर तोड़ दिया मेरा। अरे अय्यर भाई, एक साइनिस्ट होके दूध की चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? बेटा लाल, मैं चोरी नहीं कर रहा था। अय्यर, मैंने खुद रंगे हाथों तुमको पकड़ा, तुम कह रहे हो चोरी नहीं कर रहे थे? हमें आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अय्यर भाई दूध की चोरी कर सकते हैं। आपको पता है सब आपकी वजह से कितने परेशान हो गए? अय्यर भाई, ये दूध की चोरी करने से पहले एक बार बबीता जी के बारे में तो सोचना था कि उनको पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। सॉरी सॉरी बबीता जी, आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, वो देख के मुझे शर्म आ रही है। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी बबीता जी, सॉरी। बस इनफ, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी मैं बोलेगा और तुम लोग सुनेगा। मार मार के मेरा उत्तप्पा बना दिया तुम लोगों ने। नहीं अय्यर अंकल, मार मार के चूरमा बनाते हैं, उत्तप्पा थोड़ी बनाते हैं। मार मेरे को पड़ा है, मैं उत्तप्पा बनू, चूरमा बनू या कुछ भी बनू, तुमको क्या? नहीं नहीं सॉरी सॉरी। तुम सबको यह जानना है ना कि यह सब कैसे हुआ? अब्दुल बताओ सबको। अरे अब्दुल क्यों बताएगा, तुम बताओ ना भाई। क्योंकि यह सब अब्दुल का वजह से हुआ है। एक मिनट अय्यर भाई, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आप दूध की चोरी अब्दुल की वजह से कर रहे थे? छी 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 अय्यर भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। अभी आप पकड़े गए तो दोस्त का टोपला बेचारे अब्दुल पर ढोड़ रहे हैं। मारो मारो, कोई मेरे को मारेगा नहीं, कोई मेरे को हाथ नहीं लगाएगा। अय्यर, कोई कुछ नहीं कहेगा, आ जा इत्यादि इत्यादि। अब्दुल, अरे तू खड़ा क्या है? अरे डे ये उठाने तो इंद्री इंद्री, क्या खड़े हो जाओ, बोल रहे खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो जाओ, बैठे क्या हो, खड़े हो जाओ। अरे मेरा मतलब है कि ऐसे साइलेंट मत खड़े रहो, सबको सब कुछ बताओ, और पहले से बताओ, मतलब सबको समझ में आएगा। पहले मुझे तो समझाओ कि आप दूध क्यों चोरी कर रहे थे। हाँ यार बोलो। अरे अब्दुल, तुम्हारा और मेरा रीजन एक ही है। हाँ अच्छा अच्छा, इसके लिए मैं सब कुछ बताता हूँ। जिस दिन से दूध के भाव बढ़ गए, आप सब लोग मेरे से नाराज थे। आप सबको लग रहा था कि दूध का भाव मैंने बढ़ाया, जबकि ऐसा नहीं था, भाव तो कंपनी ने ही बढ़ाया था। मैं आप लोगों को समझा समझा के थक गया था, लेकिन आप लोग ने मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर आप लोगों को संतोष मिल गया जो सस्ते में दूध दे रहा था। आप लोगों की गलती नहीं थी, आप लोगों को जहां से सस्ता दूध मिलेगा आप लोग वहीं से लोगे ना। मैं खुद संतोष का भाव सुनकर चौंक गया था। जो दूध मैं 60 रुपए में दे रहा था, वो 55 में कैसे दे सकता है? भिड़े भाई, याद है जब यही बात मैंने आपसे पूछी थी तो आपने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि संतोष बल्क में दूध उठाता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है। और टप्पू सेना, याद है मैंने कल दुकान देर से खोली थी? हाँ, कल आपने दुकान लेट ही खोली थी।
और तो पता है कि मैंने दुकान देर से क्यों खोली थी? क्योंकि तुझे बुरा लगा था, हम लोगों ने तेरी दुकान से सोडा पीना बंद कर दिया इसलिए। नहीं नहीं पोपट भाई, मुझे कोई बुरा नहीं लगा था। दुकान मैंने इसलिए देरी से खोली थी क्योंकि मैं विरार गया था। विरार क्यों गए थे तुम? क्योंकि वहां पर देसी दूध का मेन ऑफिस है, वहां पर उनके बड़े बड़े तबेले हैं। मैंने सीधा जाके वहां पर इंक्वायरी की। सर सर एक मिनट, ये मिस्टर अब्दुल जी हैं, ये आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं अब्दुल हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान है। सालों से मैं आपकी देसी कंपनी का दूध अलग अलग सोसाइटी में सप्लाई करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए बोलिए, क्या बात है? कुछ दिनों से आप अलग अलग डीलरों को अलग अलग भाव में दूध देते हो क्या? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे लिए सारे डीलरों के लिए एक ही भाव है। क्यों भाई? हाँ हाँ सर, हो ही नहीं सकता, मतलब रेट डिफरेंस, वो भी हमारे यहाँ, इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। संतोष नाम का एक डीलर है जो आप ही की कंपनी का दूध 5 रुपए कम में दे रहा है। वो कह रहा है कि वो डायरेक्ट आपसे दूध लेता है, इसलिए उसको दूध सस्ते में पड़ रहा है। नहीं नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ भाव का फर्क है ही नहीं। चाहे हमसे कोई डीलर 100 लीटर दूध ले, 1000 लीटर ले या 10000 लीटर ले, हमारे यहाँ सभी डीलरों के लिए एक समान भाव है। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर। तुमने ये बताया कि देसी कंपनी वाले किसी को भी डिस्काउंट देते नहीं है, तो फिर संतोष हमें 5 रुपए कम पे कैसे दूध बेच रहा है? हाँ। यही तो सवाल मेरे मन में घूम रहा था, इसलिए मैंने कुछ दोस्तों से पूछताछ की और संतोष के दूध के गोदाम के बारे में पता लगाया, और संतोष से बात करने के लिए मैं खुद पहुंच गया। वालों को भी हमारा दूध पसंद आ गया है, बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं है जिसे वो देसी कंपनी का दूध समझ रहे हैं, वो दूध नहीं कुछ और ही है। बनाओ और दूध बनाओ, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष है, इसलिए मेरा नाम ही संतोष है। संतोष भाई, यही बात पर तो सब लोग आ जाते। अरे नहीं रे, सब लोग सस्ते दूध के लालच में फंस जाते हैं, तभी तो संतोष भाई से दूध खरीदते हैं। बिल्कुल सही। बनाओ बनाओ बनाओ। और आप लोगों को नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने कल दूध चोरी किया। कल तूने सबका दूध चुराया था? और सबकी सेहत बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, सॉरी। अरे सॉरी क्या बोल रहा है दोस्त, उल्टा हमें तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए ना मुझे। थैंक यू। लेकिन तूने दूध चुराया क्यों? तू सीधा आके हमसे बात कर सकता था, तू तो हमें बता ही सकता था ना कि दूध मिलावटी है। आप लोग मुझसे बहुत नाराज थे, मैं कुछ भी बोलता तो आप लोग को यही लगता कि मैं अपने दूध बेचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं पहले सबूत इकट्ठा करना चाहता था, बाद में आप सबको बताना चाहता था, इसलिए मैंने संतोष का दूध अय्यर भाई को दिया। कल मैं जैसे ही ऑफिस गया तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस के नीचे अब्दुल मेरा वेट कर रहा है, और उसके हाथ में वो देसी दूध का थैली भी था। मैंने
अय्यर भाई को सब कुछ बताया और मैंने उनको ये कहा कि ये दूध को चेक करवाओ। और मैंने लैब में अब्दुल ने जो दूध का सैंपल दिया था वो दिया और उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसका रिपोर्ट का वेट करने लगा। अरे लेकिन अय्यर, तू तो हम सबको ये बात बता ही सकता था ना। हाँ चाचा जी, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि अब्दुल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब्दुल सच बोल रहा है ये तभी पता लगता जब लेबोरेटरी का रिपोर्ट आता था। जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था तब तक रिपोर्ट आया नहीं था, तो मैंने सोचा कि दूध के सैंपल में कोई ऐसा गड़बड़ वाला बात नहीं होगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इसलिए रिपोर्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब्दुल झूठ बोल रहा है और मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन सोसाइटी में आने से पहले मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया, मैंने चेक किया तो मेल पर वो दूध के सैंपल का रिपोर्ट था। मैंने सारा रिपोर्ट पढ़ा तो शॉक्ड हो गया। संतोष ने जो हमको दूध दिया था उसके अंदर कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, व्हाइट पेंट, ग्लूकोज और वो रिफाइंड ऑयल है। तो अय्यर, दूध के अंदर दूध था कि नहीं? नहीं, वह दूध में नकली दूध मिक्स करता था और वो दूध तुम लोग यूज नहीं करो इसलिए वो लेने के लिए गया था। आई रिपीट कि मैं दूध चोरी करने के लिए नहीं गया था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था। और अपने घर पर दूध लेने के बाद मैं तुम सब लोगों को फोन करके इकट्ठा करने वाला था कि ये दूध बहुत खतरनाक है, कोई इसको पीना मत, कोई यूज मत करना। और मैं किसी को फोन करूं उसके पहले ही ये रोजन सिंह सोडी इसने मेरे को दबा लिया और दबा दब मारने लगा। बहुत पिटाई किया तबने मेरा। अय्यर, वो शाल के अंदर दिखे नहीं ना कौन था, इसलिए सॉरी। तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई अय्यर, लेकिन एक चीज समझाओ, ये चोरों की तरह शॉल लपेट के तुम क्यों दूध ले रहे थे? वो क्या मेहनत आपकी? बहुत जोखिम का काम था, किसी को पता न चले इसलिए मैं शॉल ओढ़ कर आया। इसलिए मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। मतलब ये अपने साल ओढ़ी थे ना, इसलिए सब आपको चोर समझ बैठे। अगर साल नहीं ओढ़ी होती तो आपको मार भी नहीं पड़ती, इसलिए सारा कसूर साल का है। आइंदा अय्यर भाई, जिंदगी में आप कभी ये साल मत ओढ़ना। कोई आपको सम्मान में भी ऐसे साल उठाड़े ना तो भी मना कर देना, बोले नहीं साल नहीं चाहिए तो स्वेटर पहनो। ओ जनरल, इट्स नॉट फनी, ये जोक सुनाने का टाइम नहीं है। सॉरी, जोक नहीं मारा था भाई, सॉरी। सो सॉरी अय्यर, हम सब ने तुम पर शक किया। नकली दूध से बचाया। नहीं नहीं, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि संतोष का पर्दाफाश हो और सच्चाई सामने आए। वो नकली दूध बेच रहा है ये सबको पता होना चाहिए। नहीं अब्दुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हमारी तरह जो ये सस्ते दूध के लालच में नकली दूध खरीद रहे हो संतोष से। सबको पता चलना चाहिए। बराबर। तो अभी के अभी संतोष के गोडाउन में जाके हल्ला बोल देते हैं। अरे सूढ़ी, सिर्फ हल्ला बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें सबसे पहले ये बात पुलिस को बतानी होगी। हाँ। सही बात है। हाँ, वो भी जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ चाचा जी, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मैं अपने मीडिया के बाकी कलीग्स को भी बुला लेता हूँ, पूरी मीडिया के सामने हम संतोष को गिरफ्तार करवाएंगे। हाँ, ये बात तो छापे चढ़नी ही चाहिए। आप ओपनल फोन करो, ये अखबार हुआ, मैगजीन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हुआ, सबके मार्फत सबको पता चलना चाहिए कि नकली दूध बेचा जा रहा है। इस बात का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए, वरना कितने लोग ऐसे केमिकल वाला दूध पी के अपनी सेहत का नुकसान कर लेंगे। तो? अरे हो सकता है क्या अंजलि भाभी, अब तक कितने लोगों का नुकसान ऑलरेडी हो गया होगा। नहीं का मैं अभी के अभी जीप निकालता हूँ और पहुँचते हैं सीधे संतोष के गोडाउन पे। मैं भी सकरा निकालता हूँ।
चलो जाते हैं संतोष के गोडाउन पे और उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। अजी जीप तैयारी है, मैं भी चाबी लेके आता हूँ। मैं सकराम की चाबी लेके आता हूँ। मैं मीडिया वाले और बाकी रिपोर्टर्स को फोन कर देता हूँ। पुलिस को फोन लगा दे। अरे हाँ अब्दुल, संतोष का गोडाउन कहाँ पर है? गणेश नगर चौल। का यही है भाई अब्दुल? हाँ हाँ यही आगे। आहिस्ता आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। आइए आइए इस साइड। चाचा जी इस तरफ। बाबूजी संभाल ना नीचे जरा। आइए। अबड़ खुबड़ है ना। अरे ये अरे अरे संभल के ये कहाँ जाएगा? अरे अरे सीधा करो, सीधा करो। सुबह सुबह दारू पीते सब लिए थे, दूध पीने के दूध। दारू दूध दोनों एक ही राशि, मीन राशि दबा के पियो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पछती नहीं है तो पीते क्यों इतनी? शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। एक बार हो जाने दो शादी, फिर तुम भी पियोगे, जम के पियोगे। क्या बोल रहे? जाने दो। पचती नहीं पर डॉक्टर है तुम? आइए चलो आराम से। अरे आराम से। अरे बाप रे, ये कैसे चढ़ूंगा? जेठा भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए बाबू जी, बाबू जी आप ठीक है? ठीक है बाबू जी, कहने दो पहले, बाबू जी कहने दो। नहीं बाबू जी संभाल ना जरा, वो सांकड़ी गली है बहुत। हाँ, एकदम अब्दुल। अरे आदि भाई को कुछ हो गया? कुछ हुआ नहीं है, अब्दुल का काम है। अरे आदि भाई हम सबका काम है, सिर्फ अब्दुल का काम थोड़ी है। वैसे नहीं अब्दुल से काम है वो। अच्छा था अब्दुल, अब्दुल अब्दुल आदि भाई बोला। आदि भाई आराम से जाने दो, जाने दो आराम से। तू मत भाई देख। हाँ हाथी भाई क्या हुआ? अब्दुल और कितना दूर जाना है? अरे हाथी भाई इधर ही है, बाजू में ही है, आ जाएगा। चलो ना ठीक है। आई 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 आराम से। आई 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 बापू जी, बापू जी संभाल के, बापू जी का ध्यान रखना। ये दरवाजा यही है जेठा भाई, ये वही जगह है जहां पर संतोष नकली दूध बनाता है। अच्छा बाबू जी, वहां पर एक खिड़की है, वहां से दिखाता हूँ कि वो लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं। अच्छा आइए आइए बाबू जी, आराम से आराम से। तो दोस्तों जैसे तैसे करके किसी भी तरह से हम गोकुलधाम निवासियों की सेना पहुंच गई संतोष के गोडाउन के बाहर। लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है क्योंकि अंदर कितने लोग हैं, वहां क्या हो रहा है इस वक्त हम कुछ भी नहीं जानते। अगर हम अंदर गए और संतोष के आदमियों ने हम पर हमला कर दिया तो भाई हमने पुलिस को फोन किया है, लेकिन पुलिस के आने में जरा सी भी देर हुई तो कुछ भी हो सकता है, संतोष निकल के भाग सकता है। तो क्या हम संतोष को पकड़ पाएंगे? जरूर होगा ऐसा। जिनके साथ सच्चाई होती है जीत उन्हीं की होती है, तो हम इस कारोबार को उजागर जरूर कर पाएंगे। तो कल आप जरूर आइए ठाकुर के साथ। और हाँ, यहाँ एक चीज और होने वाली है, जो नकली दूध को पहचानने के कुछ घरेलू नुस्खे हैं उनके बारे में पता चलेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।